नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोहित व्लॉग में। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो शायद आपके मन में भी आया होगा, कौन सी मछली कितने दिन में एक किलो की हो जाती है। यह सवाल सिर्फ क्यूरियोसिटी का नहीं है, बल्कि मछली पालन करने वालों के लिए तो यह जानकारी सोने से भी ज्यादा कीमती है। अगर आपको पता हो कि कौन सी मछली कितनी जल्दी बढ़ती है, तो आप अपने हिसाब से मछली पालन का प्लान बना सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं अलग अलग मछलियों के बारे में, और यह भी कि वो कितने समय में एक किलो वजन वाली हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं रोहू मछली की, जिसे शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे पसंद ना हो। रोहू हमारे देश में बहुत पसंद की जाती है और इसे तालाबों में आसानी से पाला जा सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि रोहू को बड़ा होने में कितना समय लगता है, तो आपको बता दें कि आमतौर पर रोहू मछली 8 से 12 महीनों में एक किलो की हो जाती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ समय ही काफी नहीं होता। रोहू मछली कार्प फैमिली से है और इसे अच्छी ग्रोथ के लिए साफ पानी और बैलेंस्ड डाइट की जरूरत होती है। अगर आप रोहू पालन कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि पानी साफ हो और उन्हें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर फूड मिले। इससे उनकी ग्रोथ तेज होगी और आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं कटला मछली की, जो दिखने में तो रोहू जैसी ही होती है, लेकिन स्वाद में उससे अलग होती है। कटला भी भारतीय तालाबों में आसानी से पाई जाने वाली मछली है और इसे पालना भी उतना ही आसान है। रोहू की तरह ही कटला मछली भी लगभग 8 से 12 महीनों में एक किलो की हो जाती है। यह मछली आमतौर पर बड़े तालाबों और झीलों में पाई जाती है, जहाँ इसे तैरने के लिए इनफ स्पेस मिले। कटला मछली की ग्रोथ रेट काफी अच्छी होती है, लेकिन इसके लिए भी जरूरी है कि पानी साफ हो और खाने की कमी ना हो। अगर आप कटला का कमर्शियल रूप से पालन करना चाहते हैं, तो आपको बड़े तालाबों की जरूरत होगी, ताकि मछलियों को बढ़ने के लिए इनफ स्पेस मिल सके। चैप्टर 3। अब बारी है कॉमन कार्प की, जो नाम से ही पता चलता है कि यह मछली कितनी आम है। यह मछली दुनिया भर में पाई जाती है और इसे पालना भी बहुत आसान होता है। कॉमन कार्प की खास बात यह है कि यह अलग अलग तरह के पानी में रह सकती है, फिर चाहे वह ठंडा हो या गर्म। रोहू और कटला की तरह ही कॉमन कार्प भी 8 से 12 महीनों में एक किलो की हो सकती है। हालांकि इसकी ग्रोथ के लिए पानी की क्वालिटी और सही न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। कॉमन कार्प को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर फूड देना चाहिए, ताकि वह हेल्थी रहे और तेजी से बढ़े। चैप्टर 4। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी मछली की जो बढ़ने में बहुत तेज होती है और कम समय में ही आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तिलापिया मछली की। तिलापिया मछली की खासियत यह है कि यह बहुत जल्दी बढ़ती है और इसे पालने में भी ज्यादा खर्चा नहीं आता। अगर आप तिलापिया मछली पालते हैं और उन्हें सही देखभाल और न्यूट्रिशन देते हैं, तो यह मछली सिर्फ 6 से 8 महीनों में ही एक किलो की हो सकती है। तिलापिया गर्म पानी में जल्दी बढ़ती है, इसलिए अगर आप गर्म इलाके में रहते हैं, तो यह मछली आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। चैप्टर 5। अंत में बात करते हैं पंगासियस मछली की, जिसे बाजार का बादशाह भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी डिमांड बाजार में बहुत ज्यादा है और यह मछली पालन के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल मानी जाती है। पंगासियस मछली भी बहुत तेजी से बढ़ती है और सिर्फ 6 से 10 महीनों में ही एक किलो की हो जाती है। यह मछली ज्यादातर कमर्शियल मछली पालन के लिए उपयोग की जाती है और इसे बड़े बड़े तालाबों में पाला जाता है। पंगासियस मछली पालन के लिए आपको अच्छी ब्रीड की मछली, साफ पानी और बैलेंस्ड डाइट की जरूरत होगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कुछ मशहूर मछलियों के बारे में और यह भी कि वो कितने समय में एक किलो वजन वाली हो जाती है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको मछली पालन के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।